डियर स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर नंबर वन की। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रीड कर लेता हूँ एक बार। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। चार्ज क्वांटाइजेशन को डिस्कस करना है आपको, तो बहुत सिंपल है चार्ज क्वांटाइजेशन को डिस्कस करना, थियोरटिकल पार्ट है। इलेक्ट्रिक चार्ज, जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड अब जो चार्ज होता है ना बच्चों, देखो चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की टर्म में होता है, क्योंकि आपने जैसे ये थ्योरी में मैंने डिस्कस किया ही है, आपको पता ही होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को हम न्यूक्लियस से बाहर निकाल नहीं सकते, इसके बाहर जो है वो कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे यहाँ पर फोर इलेक्ट्रॉन और फोर प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है, अभी ये एटम न्यूट्रल है। अब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं बॉडी के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा प्लस ई, है ना। अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कितना चार्ज आएगा, प्लस टू ई। थ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो प्लस थ्री। क्या मैं वन एंड हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता हूँ क्या, एक इलेक्ट्रॉन हटाया फिर मैं आधा इलेक्ट्रॉन और हटाऊँ, ऐसा तो नहीं हटा सकता। क्या 1.2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो आप बॉडी से, नहीं कर सकते। आपको पूरा कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, कम से कम आप वन इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके बाद अगला आप टू इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट उसमें से आप आउट करोगे। तो ऑब्वियसली बॉडी के इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे या उसमें इलेक्ट्रॉन एडअप करोगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो इंटीजर फॉर्म में होगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। तो कोई भी चीज़ अगर इंटीग्रल मल्टीपल होती है, इंटीजर फॉर्म में होती है, तो उसको अपन कहते हैं क्वांटाइज्ड है। तो चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, टोटल चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। यानी हम चार्ज को 1e 2e 3e 4e इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। ये आपने थ्योरी में डिस्कस किया होगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा वापस हटा देता हूँ। तो चार्ज क्वांटिजेशन बिल्कुल सिंपल है कि चार्ज को हम जो है टोटल चार्ज जो है बॉडी का, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। टोटल चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻²⁻ चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस इज चार्ज क्वांटिटेशन, या सो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो बच्चों ये जो ई है ना, ये जो सबसे छोटे चार्ज की वैल्यू, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है, इसको अपन चार्ज का क्वांटा कहते हैं। तो जो बॉडी को जो टोटल चार्ज दोगे आप, वो या तो प्लस का 1e या -1e, अगर इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो +1 आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन 1 ऐड करोगे तो -1, या फिर कितना हो सकता है +-2e +-3, ऐसे होगा। पॉइंट में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू +-ne। एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो एन होता है बच्चों वो एज ए होल नंबर ही है, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, क्लियर है। तो बच्चों टोटल चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एन एक इंटीजर नंबर कह दो, नेचुरल नंबर कह दो, है ना। अब नेक्स्ट आगे सेकंड पार्ट को कहते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है बच्चों, देखिए, वाई कैन इग्नोर क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स लार्ज स्केल चार्ज। अब बच्चों इसका कहने का क्या मतलब है, देखो जब आप ये जो ई की वैल्यू है ना, जो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू ये होती है, ये बच्चों बहुत कम है, 10⁻¹⁹, बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर आप किसी रीजन, छोटे से रीजन के अंदर अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उस छोटे से रीजन में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली वहां पर आपको क्या होगा कि आपको अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई देंगे, आपको सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फैले हुए हैं, तो आपको पूरा वो कंटिन्यूस नजर आएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्चुअली अगर मैं लार्ज स्केल पर बात करूँ, तो चार्ज हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पूरा चार्ज हमें कंटिन्यूस दिखाई देता है, हमको एक एक अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हमें फील नहीं होता है, और हम इग्नोर कर सकते हैं, होता तो है पर उसको इग्नोर कर सकते हो आप। तो एक्चुअली लार्ज स्केल पे आप चार्ज क्वांटिजेशन को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो बच्चों बहुत कम होता है। तो कहने का मतलब है कि 1 कूलाम चार्ज भी अगर आप लेते हो, 1 कूलाम चार्ज, तो उसमें अगर आप क्यू की वैल्यू 1 कूलाम चार्ज लेते हो, और अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो क्यू इज इक्वल टू एन ई, और इससे आप एन की वैल्यू निकालते हो, क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू 1 कूलाम और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹,
तो आप देखोगे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा 6.25 × 10⁻¹⁴, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब 1 कूलम में भी 10⁻¹⁴ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, सो एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पे, चार्ज क्वांटिटेशन कैन बी इग्नोर्ड। कैन बी इग्नोर्ड, क्लियर है बच्चों? ये भी नेक्स्ट ये प्रॉब्लम भी हो गई। अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करेंगे।